जय श्री राम प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोली विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार: राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों के नहीं, शत्रुओं के भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम जी कोई ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है राम जी के द्वार, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078 मास मार्गशीर्ष पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी वार मंगलवार, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग वृद्धि, राहु काल 2:48 PM से 4:06 PM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:33 PM तक है। दिशाशूल उत्तर। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय: मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन सहित बहते जल में प्रवाहित करने से पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी। वृषभ राशि। लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे बेटे के लिए सुयोग वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय: कच्चे कोयले किसी भी धोबी को प्रेस करने के लिए दान में देने से लव लाइफ अच्छी रहेगी। मिथुन राशि। आज आपके विचार उलझे और बिखरे हुए से हैं। आप एक साथ बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आज कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान को केंद्रित रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मानसिक अभ्यास करें और दूसरों से सलाह ना लें, क्योंकि अलग अलग सलाह से आप और भी उलझते जाएंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय: 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को किसी भी रूप में प्रसन्न करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कर्क राशि। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे, अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज़ सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बचें, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय: अपने इष्ट देव की तांबे की मूर्ति को घर में स्थापित कर उनकी रोजाना पूजा करने से प्रेम संबंधों में सुधार होगा। सिंह राशि। आज का दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला होगा।
आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ ना लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेंगी, जिसके कारण आपको अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, आज का दिन किसी भी दुर्गा मंदिर के लिए समर्पित करना आपकी मानसिक शांति बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है। कन्या राशि, भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। ग्रहों का संकेत है कि आज चिंता का विषय शारीरिक के बजाय मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, शिव जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा प्रणाम करना या दर्शन करने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। तुला राशि, आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, शरीर पर सोना धारण करना आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। वृश्चिक राशि, पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इसमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपने इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, गरीबों में दूध की थैली बांटें, इससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। धनु राशि, आज आप विशेष करहल के फुलके मूड में रहेंगे। सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगे। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करने में भी कर सकते हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय, भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मकर राशि, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, विशेषतः दोपहर से पहले। अपने ऑफिस संबंधी कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाएं, सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ ना करें या कोई हल्का फुल्का काम करें। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय, अपने प्रेमी व प्रेमिका को सफ़ेद गुलाब भेंट में देने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कुंभ राशि, आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिन कई चीज़ों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वे आज पूरी होने वाली हैं। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अंततः आज सफल होंगी। इसलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का 11 बार उच्चारण सुबह शाम करने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। मीन राशि, आप प्रेरणा से भरे हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में भी हैं। आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विचार और नीतियां आती रहती हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो यह सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। आपके सामने एक ऐसी गंभीर स्थिति आ सकती है जिससे आपकी सेहत काफ़ी प्रभावित होगी। आने वाले दिनों में होने वाली अत्यधिक थकान से बचने के लिए अपने आप को कुछ हद तक काम के दबाव से मुक्त करने की कोशिश करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय, कांसे का कड़ा पहनना सेहत के लिए लाभदायक है।
मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।